उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ग्राम प्रधान ने घर दिलवाने के नाम पर महिला से 20,000 रुपए की ठगी की। आपको बताते चले, थाना सरौली क्षेत्र के गांव ब्योधन खुर्द निवासी महिला ने ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी पर मकान दिलवाने के नाम पर ठगी करने और मारपीट, गाली गलौज तथा छिनैती का आरोप लगाते हुए डीएम बरेली से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि उसका नाम सर्वेश पत्नी स्वर्गीय भगवान दास है और वो सिरौली थाना क्षेत्र के ब्योधन खुर्द गांव की रहने वाली है। क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश। कहाँ की रहने वाली हो? खुर्द ब्योधन। थाना? सिरौली। थाना सिरौली। हाँ। क्या मामला है, पूरी बताओ। प्रधान ने पैसे निकलवा लिए, 10,000 रुपए पहले ले लिए कि तेरा कमरा आएगा, तो मैंने अपने जमाई से लेके पैसे दिए उसे, तो 10,000 रुपए आप निकाल लिए मेरे और मेरे को मारा, मेरे कानों में झाले पड़ रहे, वो भी खींच लिए, ले लिए, और मर्द वगैरह ने दोनों ने मेरे को मारा मिलके, मनोज की और देवेंद्र की बीवी ने, और मनोज ने देवेंद्र ने, चारों ने मिलके मेरे को मारा घर बुला के। तो क्यों पैसे निकाल लिए तुम्हारे? प्रधान ने निकाली पैसे, ये बोला तेरे कागज बनेंगे ब्लॉक में, ये तेरा कमरा आएगा, ऐसे निकाल लिए, तो मैंने ये कही थी मैं दुकान खोलने में कागज मैं बनवा दूंगी, तो बोला ये अंगूठे लगा रही नहीं लगा रही, ज्यादा नक्शेबाजी दिखा रही है। हाँ, अंगूठा मैंने लगा दिया, पर इतने 10,000 पहले ले लिए मुझसे। हाँ, कमरा नहीं मिला, कमरा नहीं मिला मेरे को। सब कितने ले लिए प्रधान ने? 20,000। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि ले मिले तो ले लिए, आप खुद अपना आवास बना के देखिए, ये कह रहा है। देवेंद्र सागर। देवेंद्र सागर प्रधान है? हाँ, और मनोज भी सागर है। हाँ, निकाल लिए। हाँ, अब तुम क्या चाह रही? मेरे पैसे मिल जाने चाहिए और उसे सजा देने चाहिए। आप किससे शिकायत करने आई हो? डीएम साहब से।